अस्सलाम वालेकुम, वेट लॉस ब्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब आप कहेंगे वेट लॉस ब्लॉग, जी हाँ, जैसे कि आपसे डिसाइड किया गया था कि अब हम अपना वेट लॉस आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। और ये मेरा जो है साथी, मेरा मैट, हम जा रहे हैं जिम। अचानक जिम नहीं जा रहे, मेरा पैकेज है जिम का और मैं जाती हूँ। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं जा सक रही थी क्योंकि मेरी वर्क रूटीन कुछ इस तरह की थी कि मेरा स्केड्यूल मैनेज नहीं हो रहा था। अगर मैं जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होती थी तो मैं जो मेरे 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मैं स्ट्रेट घर जा कर रेस्ट करना बेहतर समझती थी। और मेरा जो घर है वो डिस्टेंट है मेरे जिम से, तो इस वजह से दोबारा कोई नहीं चक्कर लगता था मुझसे। तो अभी जो है मेरी आज है इवनिंग शिफ्ट और मैंने कहा चलो मॉर्निंग में जो है जिम जाते हैं। और क्योंकि मेरी स्ट्रेट इवनिंग्स हैं कुछ टाइम के लिए, तो इस वजह से एक रूटीन भी मैनेज हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग मुझे बेहतर लगता है हमेशा जिम के लिए। मॉर्निंग में आप जब अर्ली मॉर्निंग जो है उठ के वॉक कर लो या जिम कर लो, आप थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाता है और आप ख़ुद भी फ्रेश हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो। तो अब चलते हैं हम अपने जिम की तरफ, बातें साथ साथ बहुत करते जाएंगे। तो जी हम अपने जिम पहुंच चुके हुए हैं। अब आप लोग वर्कआउट प्लान के हवाले से पूछेंगे तो वो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम फॉलो भी कर रहे थे। बीच में मैंने जो है चीट कर लिया मेरे वर्क रूटीन की वजह से, और अभी जो है मैं वापस रूटीन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब मेरी रूटीन में जो है, जैसे मैं घर पे इंडोर साइकिलिंग, ये तो मेरा 30-40 मिनट्स लाजमी होता है और वॉक लाजमी होती है। और बाकी जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मैंने फ़िलहाल छोड़ा हुआ था फॉर द टाइम बीइंग। और ये जब आप वेट लॉस करते हो ना, ख़ासतौर पे अभी मेरा जो मतलब 24 किलोज़ रिड्यूस हुआ है, तो अभी मेरा ना एक वो वाला वेट आ चुका है जिसको स्टबन वेट कहते हैं, ज़िद्दी वेट। उस पे क्या होता है कि उस पे ना आपको थोड़ा ज़्यादा अपने आप को ना एक पुश देना पड़ता है ताकि आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, अदरवाइज वो स्टक रहता है एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से अपने आप को तैयार किया कि नहीं करा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मेरी शिफ्ट्स भी थोड़ी सी ऐसी हैं कि मुझे पता है कि मैं ये टाइम दे सकती हूँ, अदरवाइज़ वो शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं तो पूरा स्केड्यूल भी बिगड़ जाता है। तो आज जो है आफ्टर आई थिंक कुछ अरसे के बाद से दोबारा से फर्स्ट डे ऑफ माय जिम हो जाता है। इनफैक्ट ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 महीने के बाद से ही दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है हमारा जिम और आज इन्होंने मुझे फिर से वेलकम किया है। कहते कहाँ गायब हो गई थी, मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। और हम लॉकर रूम में आ गए हैं अपने, आज बैक डे है तो डोर विट के साथ ही हम दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा मसल क्रैम्प्स फ़िलहाल बेयर नहीं कर सकती हूँ, शाम को ड्यूटी भी है मेरी। तो जी पहले हो जाता है स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप, और वार्म अप के बाद फिर आपकी जो है एक्सरसाइजेस और फिर कार्डियो का कुछ टाइम। इस तरह से मैंने मिक्सअप रखा हुआ है थोड़ा। ये जी हमारा आज जो है बैक वर्कआउट है, तो ये मिनिमल वेट के साथ लैट पुल डाउन। अब हम 3 सेट्स करेंगे 12-12 के, और ये जो है बेंट्रो के लिए हम केबल मशीन यूज़ करेंगे। तो हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आ चुके हैं और मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि व्लॉग है तो डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने पूछा था राइट कि आपने अभी तक कितना वेट रिड्यूस किया और आगे कितना करना है। मैंने 15 किलोज़ और रिड्यूस करना है, फैट वेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जब साथ में जो है ना वेट लिफ्टिंग ये सब रखते हो ना, तो फिर आपका क्या होता है मसल वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वो अच्छा रहता है। फ़िलहाल आज कुछ टाइम के बाद मैंने रीस्टार्ट किया, तो आज मैंने लोअर वेट के साथ ही स्टार्ट किया है दोबारा से, आज क्योंकि बैक डे था मेरा। और फिर जो है
एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरे पास कोई इस तरह का टारगेट तो नहीं है. मैं कोई एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैंने बस स्पेसिफिक एक टाइम लाइन पर ही वेट रिड्यूस करना. स्टिल लाइक मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि मैंने 3 to 4 months में 15 kilos ड्रॉप करना है फैट वेट में से. लेट्स सी कहाँ तक ये चलता है, क्योंकि बीच में मेरे चीट डेज भी होते हैं बिकॉज आई एम फूडी. और बाकी जब मैंने स्टार्ट में बहुत आई थिंक यानी जब मैंने शुरू में वे ये जिम शुरू किया था ना अच्छे कुछ साल पहले, तो क्या था कि मैं बड़ा जो है ना स्टेटस लगाना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम मेरे प्राइवेट पेज पे जो है ना मैं स्टेटस लगा रही होती कि यार मैं आज जिम कर रही हूँ. लेकिन मेरे पास ना जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका. ये था कि मैंने एरोबिक्स क्लासेस भी ज्वाइन की हुई थी और मैं 2 classes ले रही थी 1 आवर की, यानी 2 hours वो हो गए, बीच में थोड़ा गैप आ जाता था रेस्ट का, और 1 hour मैं जाके मशीन्स पे जो है ना ऐसे ही जो है कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे होते. लेकिन इतना सारा टाइम स्पेंड करना और उसके बाद जब आपका वेट ड्रॉप ना होना तो आप मेंटली तौर पर बड़े टॉर्चर फील करते हो. और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं मसल वेट गेन कर रही हूँ. जब मैंने इन बॉडी एनालिसिस और ये सब देखना शुरू किया, पता लगा मुझे कि फैट वेट मेरा ड्रॉप होता है और मसल वेट गेन होता है. लेकिन ये फिर भी बहुत एक्जर्शन थी बॉडी के लिए. बाद में मुझे ट्रेनर्स ने गाइड किया जब मैंने ट्रेनर ज्वाइन की पर्सनल ट्रेनिंग. तो पर्सनल ट्रेनिंग में मुझे जो है ट्रेनर ने बताया कि आप अगर जो है मसल्स पे यानी आप वर्कआउट कर रहे हो और स्पेसिफिक मसल्स का डे है और आप उस पर अगर प्रॉपर पोस्चर से और प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे और जो है आप सेट्स वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा मतलब उसका बेनिफिट होगा. टारगेटेड एरिया पे जो है आपके मसल्स वर्क करेंगे. तो मैंने इस बात को फिर फॉलो करना शुरू किया. एक तो उन्होंने मेरी एक्सरसाइजेस ठीक करवाना शुरू की नो डाउट, और एक्सरसाइज जब सेटल हुई और मुझे प्रॉपर पता लगा, क्योंकि अगर आप एवं कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हो सिर्फ लिखा पढ़ा देख के या गूगल से देख के, हकीकत में आपके ना मसल्स पुल भी रहते हैं, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आपको रहते हैं और कुछ ना कुछ डैमेज होने का भी खदशा रहता है बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हम कौन से मसल की वर्किंग कर रहे हैं. लेकिन मुझे फिर ट्रेनर्स ने गाइड किया कि ये इस तरह से आपने वर्किंग करनी है मसल्स की. अगर आपका बैक डे है या फिर आपका जो है ये बाइसेप ट्राइसेप, मतलब आप उस पर प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा. तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, मुझे उससे रिज़ल्ट भी मिला. मैंने बाद में ये 2021 में मैंने थोड़ा सिडेंट्री लाइफस्टाइल रखा था और उसकी वजह से मैंने वेट पुट ऑन किया. वेट पुट ऑन करना इतना मुश्किल इतना मतलब मसला नहीं होता, क्योंकि जो है आपको रियलाइज़ बाद में होता है जब आप या तो अपने पुराने ड्रेसेस ट्राई करते हो या फिर आपको लोगों से कमेंट मिलते हैं. तो मुझे लोगों से कमेंट्स भी मिलना शुरू हुए, ख़ास तौर पे मैंने जब अपना ट्रेडिशनल वेयर जो है पहनने की कोशिश की. कोई मेरा पता नहीं आई थिंक कोई फंक्शन वगैरह था तो मैंने अपने ड्रेसेस निकाले. मैंने कहा ही मेरे पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, मैंने पहनने की कोशिश की तो आगे से क्या हुआ मेरे साथ, उनमें मैं पूरी नहीं आई. अब मैं कहूँ कि यार ये क्या हो गया. ठीक है, रियलाइज़ नहीं किया था मैंने कि मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया वेट. फिर मुझे जो है लोगों ने ये बोलना शुरू किया, अरे यार हाँ, मतलब जो मेरे जानने वाले थे मेरे रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया, आप तो पक्की उम्र दी लग रही हैं, तू हले तो तेरा ब्याह नहीं हुआ, मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम बहुत एजड लगना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज कि तुमने वेट इंक्रीज कर लिया है. वेट पुट ऑन करना है का ना आपके मेंटली आपको बहुत टॉर्चर मिलता है, क्योंकि हम लेडीज़ क्या आजकल तो सारे के सारे मेल फीमेल सभी जो है कॉन्शियस है अपने आप को लेके. और जब आपको ये वाला टॉर्चर मिल जाए कि अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई और अभी से आप इतनी एजड दिखना शुरू हो रही हो तो बुरा लगता है. आप वेट गेन के साथ में ना अपनी एज से पता नहीं कितने साल बड़े दिखना शुरू हो जाते हो. तो इस तरह के कमेंट्स आपको बहुत इरीटेट करते हैं, मुझे भी इरीटेट किया. तो मैंने खैर कमेंट्स तो अपनी जगह पे मेरे बचपन से, मुझे चबी हूँ मैं हूँ और मुझे बचपन से कमेंट्स मिलते रहे, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं दे रहे थे जितना खुद को देख के बंदा ना फील करता है कि यार मेरा ड्रेस ही मुझे नहीं आ रहा. ड्रेस आगे भी मैंने किसी को नहीं दिया, वो मैंने अपने पास ही रखा ताकि मैं वापस उस ड्रेस में आऊँ. और मैं आई और जब अभी मैं उस ड्रेस में फ़िट हो गई हूँ तो अभी मैंने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने 15 kilos और रिड्यूस करना है और फैट वेट में से. लेट्स सी कब तक होता है. साथ साथ आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी.
अच्छा, कुछ टिप्स मैं अपनी बहनों से ये भी शेयर करना चाहूंगी कि आप कभी भी ये मत सोचें कि आपने 2-3 घंटे जिम में लगाए तो ही आपका वेट रिड्यूस होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सारे मैंने टोटके और ये सारी चीज़ें मैंने करके देखी हुई हैं और मुझे अब प्रॉपर गाइडलाइंस जो मैंने फॉलो की थी और मुझे ट्रेनर्स के थ्रू पता लगा कि ये चीज़ है। अभी मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर कर ही रही हूँ। और सबसे पहले आप जिम जाते हैं ना, एक चीज़ याद रखें, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपके मसल्स जो हैं एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। 10 मिनट्स आपके ये दोनों चीज़ें मिला लें और कर लें, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। मिक्स्ड रखें, ठीक है, कार्डियो को भी टाइम दें और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी टाइम दें। आप जब मिक्स्ड रखेंगे आप बोर नहीं होंगी, और जब आप बोर नहीं होंगे तो आप इंजॉय करके वर्कआउट करते हैं। मैं हकीकत में, मुझे जिम रूटीन बहुत पसंद है और मैं बहुत कंटिन्यूटी से करती रही हूँ। मेरा बीच में जो मेरा जो ये अभी ड्यूटी स्केड्यूल बना हुआ था उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी भी मुझे एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन करने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा टाइम उनके साथ मैच नहीं होता। अदरवाइज मैं पक्का, मेरा एरोबिक्स हमेशा से जो है ना रहा है इस जिम के साथ, हमेशा मैंने फॉलो किया है। 1 आवर की आपकी एरोबिक्स क्लास होती है ग्रुप के साथ, और वो आपकी बहुत एक तरह से अच्छी क्लास रहती है। आपका अपने ग्रुप के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। उसके बाद आप अपना जो है साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो ये अच्छा एक मतलब कॉम्बो रहता है। लेकिन मेरे टाइम स्केड्यूल की वजह से मैं अभी फॉलो नहीं कर सकती हूँ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।